नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इसे संबंधित जजमेंट लेकर आया हूं। ये जो जजमेंट है लाखों पतियों के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। इस जजमेंट में पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली गई है और एक नई गाइडलाइन दी गई है, जिसकी वजह से लाखों ऐसे फर्जी 498A के केस है जिसमें पति और पति के घर वाले परेशान है, वो क्वेश हो जाएंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट है और पति को कैसे फायदा मिलेगा, सारी चीजें आइए हम डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV, X-9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, कैसे 498A के फॉल्स केस को क्वेश कराना है, कैसे 125 CRPC और DV एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे डिवोर्स लेना है, किस प्रकार से इन मुकदमों की प्रक्रिया चलती है, तो सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएगा। पढ़ के समझ के आप जानकारी जुटा के अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं, पैसे बचा सकते हैं और ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बाय कर ले। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर किसी भी जजमेंट में एक पति को कोई मैट्रिमोनियल केस में फायदा मिल जाता है, तो ऐसे में अगर आपका भी जो फैक्ट है उसी पति के केस से मिलता जुलता है जिसे फायदा मिला है, तो आप अपने केस में उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा सकते हैं और अपने भी केस में वो फायदा त्वरित ले सकते हैं। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उसे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहती हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकती हैं। ग्रुप में आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, जिसका यूज अगर आप अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। केस क्वेश करा सकते हैं, खुद को डिस्चार्ज करा सकती हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, सेक्शन 9 जीत सकते हैं, क्रॉस केस दर्ज करा सकती हैं। तो इस प्रकार के जो जजमेंट है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करिएगा। अब आइए अपने हम इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर आते हैं। ये जो जजमेंट आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आप इसको भी चाहते हैं, इसकी PDF कॉपी चाहते हैं, तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप बारीकी से इस जजमेंट को समझ ले तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपने ऊपर लगे 498A केस को क्वेश करा देंगे। बस थोड़ी समझने की बात है, कैसे यूज करना है वो आप समझेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहां से कह नहीं सकता हूं। आपको बता तो सकता हूं, जो लीगल चीजें हैं बता सकता हूं, लेकिन आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूं यहां से। तो आप खुद समझिएगा क्या करना है इस जजमेंट का, कैसे यूज करना है, और आप समझ जाएंगे तो गारंटी है कि केस को क्वेश करा लेंगे। तो देखिए, ये जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, और ये जो जजमेंट है वो सुनीता झा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है, और फॉल्स 498A के मामले को क्वेश कराने से संबंधित ये जजमेंट है। देखिए, मामला इसमें कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, यहाँ जो महिला है, वो जाके कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराती है। जब कंप्लेंट केस दर्ज कराती है तो कोर्ट में पहले 200 CRPC में उसका बयान होता है, फिर 2 गवाहों का बयान होता है। उसके बाद जो कोर्ट होता है यहाँ पति को तलब कर देता है, यानी पति को कहता है कि अब आप कोर्ट में आइए और अपना पक्ष रखिए, जमानत कराइए। उसके बाद जो पति है कोर्ट में जाता है, और उसके बाद जो पति होता है खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र लगाता है। जब पति डिस्चार्ज होने के लिए प्रार्थना पत्र लगाता है तो पति वहां ये तर्क रखता है कि जो पत्नी यहां खुद को बता रही है कि मैं इनकी पत्नी हूं, वास्तव में पत्नी नहीं है। वो कथित तौर पे पति पत्नी की भांति साथ रहते थे, लेकिन उनकी कहीं शादी नहीं हुई है, लीगल मैरिज नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो पत्नी है या वही सिर्फ केस लगा सकती है, और
498 AIPC सिर्फ पति और पति के घर वालों के ऊपर ही लग सकता है, रिश्तेदारों के ऊपर ही लग सकता है। तो ऐसे में जो मामला है उससे उसको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन जो कोर्ट होता है कहता है कि उसके ऊपर प्राइमरी फेसिया यानी प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, तो ऐसे में उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, वो अपील करता है, उसमें भी उसको खारिज कर दी जाती है, हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी यही कहता है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है और आप पति पत्नी हैं तो इसकी वजह से केस क्वेश नहीं होगा। उसके बाद जो मुकुंद चंद है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां पे उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि वो कथित तौर पे मात्र पति पत्नी की बात रह रहे थे, लेकिन वो पत्नी नहीं है और ना ही पत्नी के वो पति है, और यहाँ 498A सिर्फ उसी के ऊपर लग सकता है जो वास्तव में पति हो या पति का कोई रिश्तेदार या नातेदार हो। तो यहाँ पे उनके ऊपर मामला बन ही नहीं रहा है 498A का, तो उन्हें डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। जब कोर्ट भी देखता है मामले को तो कोर्ट कई जजमेंट को देखता है, कोर्ट यही कहता है कि जो 498A IPC है वो पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर ही लग सकता है, और यहाँ जो पति है वो मात्र पति पत्नी कथित तौर पे साथ रह रहे थे। जो मुकुंद चंद है वो और उनकी जो ये पत्नी केस लगाई है सुनीता झा, वो कथित तौर पे साथ रह रहे थे, वास्तव में वो पति पत्नी नहीं थे। तो इस मामले में 498A नहीं बन रहा है और यहाँ 498A IPC नहीं लग सकता है। तो ऐसे मामले से डिस्चार्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो गलत फैसला दिया है, ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए, उसे बदला जाता है और मामले से मुकुंद चंद को डिस्चार्ज किया जाता है, मामले को रद्द किया जाता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अगर आप साबित कर देते हैं कि आप वास्तव में पति हैं ही नहीं, तो आप चाहे तो खुद को डिस्चार्ज करा सकते हैं, क्वेश करा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया जजमेंट है पति के पक्ष में आया हुआ। तो बारीकी से यूज करिएगा, समझदारी से इस जजमेंट का यूज करिएगा, आपको भी फायदा मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं आप लोगों से बार बार ये चीज कहता हूं कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जिसकी वजह से आप केसेस से जजमेंट से अपडेट रहते रहें और आप फायदे भी लेते रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मैं जजमेंट बताता हूं अगर आप उसकी कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो ₹500 लाइफ टाइम के लिए है। तो आशा कर रहा हूं जजमेंट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।